गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बात करते हैं डिटेल में। आप सभी को पता होगा कि 17 जनवरी 2019 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया था, जिसकी की अंतिम तिथि थी 6 फरवरी 2019। और इसमें आपको मैं एक और अपडेट बता दूं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पद भरने थे उसमें कुछ और पदों का इजाफा कर दिया है, जिसमें कि मुख्य पद है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर और ट्रेजरी ऑफिसर के अहम पद। तो ये टोटल पद आपके रहेंगे 10 वैकेंसीज है यहाँ पर। और डिस्ट्रिक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के यहाँ पर 2 पद है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर है दूसरा पद, यहाँ पर है ट्रेजरी ऑफिसर। यहाँ पर 8 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 है एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 वैकेंसी है, साथ में एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए यहाँ पर 1 पद है। और बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स के, तो यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई की यहाँ पर है 18 फरवरी 2019। आपने अगर अभी तक जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 के लिए आवेदन नहीं किया है, या आप भूल गए थे कि हमें आवेदन करना है, क्योंकि लास्ट तिथि इसकी थी 6 फरवरी 2019 रात 12 बजे तक। और आपको बता दें कि इन पदों को भरने के लिए अब अंतिम तिथि में इजाफा किया गया है, अब आप 18 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट, लास्ट डेट टू अप्लाई 18 फरवरी 2019 तक आप आवेदन कर सकते हैं सभी पदों पर, जो भी प्रशासनिक सेवाओं में जो पद यहाँ पर थे विज्ञापन में, उन सभी पदों के लिए आप 18 फरवरी 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर है जनरल के लिए 400 रुपये एंड अदर स्टेट्स के लिए भी 400 रुपये है यहाँ पर, एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर है 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। और बात की जाए यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो अडेंडम है 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 17 जनवरी 2019 को इन्होंने जो अपडेट दी थी, नोटिफिकेशन दी थी कुछ वैकेंसीज को फिल करने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट 2 वैकेंसीज फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर जनरल 1 एंड ओबीसी के लिए 1 इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज क्लास 1, यहाँ होगा क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर के लिए, एंड इन पे स्केल जो का पे बॉन्ड रहेगा वो रहेगा 15,600 रुपये से लेकर 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड पे। और 8 वैकेंसीज यहाँ पर है ट्रेजरी ऑफिसर के लिए, जिसमें कि 6 यहाँ पर है अनरिजर्व्ड और एसटी के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरी क्लास 2 गेस्टेड इन द पे बॉन्ड रुपीज़ 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लास्ट डेट यहाँ पर है 18 फरवरी 2019। और एक और अहम बात, जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया है HAS के लिए तो वो इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि उनका अप्लाई हो चुका है। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या किसी कारणवश उनको अभी अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो इसमें अपना आवेदन ज़रूर कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए भी, और जो प्रीवियस में HAS की जितनी भी वैकेंसीज थी उन पदों के लिए भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी नोटिफिकेशन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो हमें लगा कि आप तक शेयर किया जाए। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ शाम को 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।